नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। विजयपत सिंघानिया अपनी आत्मकथा को लेकर चर्चा में है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पब्लिशर और डिस्ट्रीब्यूटर से अगले आदेश तक किताब की छपाई और बिक्री को रोकने के आदेश दे दिए हैं। ये आदेश हाईकोर्ट ने विजयपत सिंघानिया के बेटे गौतम सिंघानिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। गौतम सिंघानिया ने रेमंड ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग एडिटर हैं। पिता और पुत्र के बीच यह कानूनी लड़ाई पिछले 3 साल से चल रही है। बाप बेटे के बीच का यह विवाद क्या है, आइए आसान भाषा में आपको समझाते हैं पूरा मामला। विजयपत सिंघानिया का नाम देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में शुमार है। कभी वो 12,000 करोड़ की कंपनी रेमंड के मालिक थे, लेकिन बेटे की वजह से आज वो पाई पाई के लिए मोहताज हो चुके हैं। विजयपत का दावा है कि उनके बेटे गौतम सिंघानिया ने उनसे घर और गाड़ी छीन लिया, जिसके चलते वे मुंबई में एक किराए के मकान पर रहते हैं। 2015 में विजयपत सिंघानिया ने अपनी कंपनी के सभी शेयर अपने बेटे को दे दिए थे। उस दौरान शेयर की कीमत 1,000 करोड़ रुपए थी। सिंघानिया ने आरोप लगाया है कि CMD होने का गलत फायदा उठाते हुए गौतम ने सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। इसके बाद विजयपत की आर्थिक हालत खराब हो गई और वो किराए के मकान में रहने को मजबूर हो गए। सितंबर 2018 में रेमंड लिमिटेड और इसके प्रमुख गौतम सिंघानिया ने अपने पिता की किताब को लेकर ठाणे जिले की सत्र अदालत और मुंबई की एक दीवानी अदालत में मुकदमा दर्ज कराया था। गौतम सिंघानिया का आरोप था कि इस किताब में कई दावे अपमानजनक किए गए हैं जो कि गलत हैं। जिसके बाद अप्रैल 2019 में ठाणे अदालत ने पुस्तक के विमोचन पर रोक लगा दी थी। बीते बृहस्पतिवार को कंपनी ने उच्च न्यायालय का रुख करते हुए दावा किया कि विजयपत सिंघानिया ने गुप्त तरीके से 232 पेज की इस पुस्तक को रिलीज कर दिया। इस पर न्यायमूर्ति SP तावड़े की अवकाश पीठ ने पुस्तक की बिक्री, प्रसारण एवं वितरण पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।